और जो यहाँ पर है ना उसे अभी तक स्ट्रेस फील ही नहीं हो रहा है कि भाई पढ़ा नहीं जाता है, मन नहीं लगता है। इच्छा और कारण में फर्क होता है, पर मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने दोस्त से पहले वहां पर जाकर वापस आ जाऊं तो क्या मैं अपने पोटेंशियल का, जो मेरे अंदर शक्ति है, उसका पूर्ण इस्तेमाल कर पाऊं। मैं कहता हूं मुझे IAS ऑफिसर बनना है, मुझे 14 घंटे की पढ़ाई बोझ लगेगी। तो देखिए, आप अभी बोर्ड क्लासेस में हैं, 12th क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं, 8th क्लास में हैं, आपके बोर्ड्स चल रहे हैं। ये एक ऐसा समय होता है जब बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, या तो नंबर कम ना आ जाए इसका स्ट्रेस, या जो मेरा दोस्त है उसके मेरे से ज़्यादा ना आ जाए इसका स्ट्रेस, मैं फेल ना हो जाऊं इसका स्ट्रेस, माता पिता पिटाई ना करें इसका स्ट्रेस, अच्छी कॉलेज मिलेगी ना मिलेगी इसका स्ट्रेस, है ना। स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, डिप्रेशन ही डिप्रेशन। ये ऐसा समय है जो यदि स्ट्रेस आप फील करते हैं तो करने वाले के लिए तो बहुत स्ट्रेस है, और जो नहीं करता उसके लिए 1% भी स्ट्रेस नहीं है, है ना। आप कई बच्चे से देखते होंगे कि कल मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है, शाम को आपने उसे फ़ोन किया कि यार भाई कल मैथ का एग्ज़ाम है पढ़ा क्या, तो वो कहेगा कि यार शायद मार्च की 21 तारीख को था ना मैथ का एग्ज़ाम, तो ये तो फरवरी की 21 तारीख कल, तो वैसी बातें करेंगे यार अभी तो 1 महीना है, और जबकि कल एग्ज़ाम है, है ना। उन्हें पता भी नहीं होता है कि एग्ज़ाम कब है और कब नहीं, तो उनके लिए कोई स्ट्रेस नहीं है, वो अपने जीवन में मस्त हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा हासिल करूं, अपने जीवन में थोड़ी बहुत ऊंचाइयों को पाऊं, तो आपके लिए ये समय स्ट्रेस का हो सकता है। और आप स्ट्रेस यदि आप कम करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातें समझने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो क्या आप स्ट्रेस कम करना चाहते हैं अपने जीवन में? परेशानियाँ तो होंगी ना आपके जीवन में कि भाई टाइम मैनेज नहीं हो पाता है यार, कि स्कूल से आए 2 घंटे सोए, पता चला कि हम तो 2 घंटे के लिए सोए थे लेकिन सोते सोते 8 घंटे हो गए, है ना। कि भाई 2 घंटे सो लेते हैं, पावर नैप ले लेते हैं एक, उसके बाद में खड़े होके फिर पढ़ेंगे, लेकिन पावर नैप के चक्कर में पूरी 8 घंटे की नींद ले ली हमने, है ना। ये समस्या होती है कि भाई टाइम मैनेज नहीं पाता है हमसे, या फिर घर पर पढ़ा नहीं जाता है, हॉस्टल में बच्चे पढ़ने नहीं देते हैं। समस्याएँ तो हर किसी के जीवन में होती हैं, आप ये नहीं कि एक 3 साल का बच्चा होता है उसके जीवन में भी समस्या होती है। हाँ होती है भाई साहब, आपको क्या पता। देखो मैं बताता हूँ, मेरे चाचा जी का एक लड़का है, वो अराउंड 4 साल का है, तो उसके जीवन में समस्या पता है क्या है, कि इस बार मेले से यार ट्रक लेके आएंगे, और ट्रक को क्या करेंगे, घर के बाहर से एक हाईवे बनाएंगे और उस हाईवे से चलाएंगे। लेकिन यार नहीं, ठीक नहीं यार, वहाँ से तो रोड पे साधन आते जाते रहते हैं यार, मज़े वाली बात नहीं, छत की दीवार पे वहाँ चलाएंगे। तो स्ट्रेस उसके जीवन में भी है। आपको अगर लगता है कि स्ट्रेस उसके जीवन में नहीं है, हर किसी के जीवन में होता है, हाँ बस ये है कि कोई फील कर लेता है और कोई फील नहीं करता है। तो अगर स्ट्रेस को आपको ख़त्म करना है तो आप ऊँचाई के लेवल पर जा रहे हैं, लेकिन आपको फील ही नहीं हो रहा है स्ट्रेस, तो आप नीचे जा रहे हैं। स्ट्रेस यहाँ पर है, जो व्यक्ति स्ट्रेस को ख़त्म करना चाहता है वो ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, और जो यहाँ पर है ना उसे अभी तक स्ट्रेस फील ही नहीं हो रहा है। जब आप स्ट्रेस फील करना शुरू करेंगे तब यहाँ पर आएंगे आप, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये चीज़ें आपके जीवन में आने लगेंगी। तो इन्हें आप ख़त्म करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, बताइए प्लीज़, यस और नो में जवाब दीजिएगा प्लीज़। ख़त्म करना चाहते हैं? करना चाहते हैं? करना चाहते हैं? हाँ। तो अब कई के बच्चों में एक्साइटमेंट आ रहा होगा कि यार पता नहीं क्या ही बताएगा ये आदमी, है ना, मतलब अभी तक तो हमें पता नहीं चला, ये पता नहीं कौन से लंदन से आया है जो हमें ये चीज़ें बताएगा, है ना। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि आप है ना अपने जीवन में जो बातें बताने वाला हूँ ना, यदि उनको अप्लाई करते हैं ना, आपका जीवन है ना 50% आसान हो जाएगा। कितना? 50% आसान हो जाएगा। 50% आसान होना मतलब आपकी आधी समस्याएँ गायब। तो सबसे पहली समस्या क्या है आपके जीवन की? पढ़ाई, है ना। समस्या नहीं है कि भाई पढ़ा नहीं जाता है, मन नहीं लगता है। एक बात बताऊं आपको, आप पढ़ना चाहते हैं, है ना, कि अच्छे नंबर आ जाएं, सारी चीज़ें हो जाएं, लेकिन आप कब तक नहीं पढ़ पाएंगे?
जब तक आपके पास पढ़ने की कोई वजह नहीं होगी। ध्यान दो इस बात पर प्लीज़ गौर से कि आप कब तक नहीं पढ़ पाएंगे, जब तक आपके पास पढ़ने की कोई वजह नहीं होगी, कोई रीज़न। पहली बात सिखाने वाला हूँ मैं इस सेमिनार की आज की, कि आप अपने जीवन में यदि कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास बहुत ही बड़ा रीज़न होना चाहिए, बहुत बड़ा कारण होना चाहिए। बहुत से बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वो पढ़ क्यों नहीं पाते हैं, कारण नहीं है भाई साहब उनके पास, बड़ा भयंकर कारण। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मेरे दोस्त से अच्छा नंबर आ जाए ये कोई कारण नहीं है। ये क्या है? ये आपकी डिज़ायर है, ये आपकी इच्छा है। इच्छा और कारण में फ़र्क होता है ना। मेरे दोस्त से अच्छे नंबर आने चाहिए ये आपकी इच्छा है, ये कारण नहीं है। कारण पता है क्या होता है? मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर बनना है, और आज जो देश के अंदर गरीब लोग हैं उनकी सेवा करनी, ये कारण होता है। हाँ, आप काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि देख बहुत बड़ी बात कर दी इसने, तो बड़ी बात नहीं की है मैंने। यदि आप जीवन में कुछ प्रैक्टिकल होंगे ना, थोड़े से भी प्रैक्टिकलिटी को सोचते होंगे, तो ये बात सही बात है। और अपने दोस्त से ज़्यादा नंबर लाना ये कोई बड़ी बात है? आप किसके लिए भागते हैं जीवन में कि मेरे दोस्त से अच्छे नंबर आने चाहिए? ये कोई कारण है? बस इसके लिए पैदा हुए हैं आप 80-85 साल सिर्फ यही कि मैं अपने दोस्त से आगे चला जाऊं? ज़्यादातर बच्चे इसीलिए अपना जीवन खराब कर देते हैं। देखिए, मैं हूँ और यहाँ पर सोचिए मेरा दोस्त है, हम दोनों दौड़ रहे हैं। अब यदि किसी ने रेस चालू की और ये कहा कि वहाँ पर आपको हाथ लगाकर दोनों को वापस आना है, और मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने दोस्त से पहले वहाँ पर जाकर वापस आ जाऊँ, तो क्या मैं अपने पोटेंशियल का, जो मेरे अंदर शक्ति है उसका पूर्ण इस्तेमाल कर पाऊँगा? बताइए मुझे, जो मेरे अंदर शक्ति है उसका पूरा इस्तेमाल कर पाऊँगा मैं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा प्लीज़। नहीं कर पाऊंगा ना। लेकिन मैं यदि ये सोचता हूं कि मुझे आज अपनी जो भी पूरी शक्ति है उसका इस्तेमाल करना है, यदि मैं सोचता हूं तो शायद मैं अपने दोस्त को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दूं। दोस्त वहां पर आपका कंपटीशन रहा ही नहीं करता। हम बहुत ही छोटी बातों में उलझ के रह जाते हैं कि मेरे तो यार इसके अगर 55% आए तो मेरे 56 नहीं है। ये तो एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो गया, बहुत लो बच्चों वाला हो गया ना। इसके अगर 90% आए तो मेरे 91 आने चाहिए। बस इसके लिए भाग रहे हो जीवन में? एक बात याद रखना, 90 भी आ जाएंगे, 91 भी आ जाएंगे अगर पढ़ोगे तो, और ऐसे ही जीवन खराब कर लोगे अगर इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह गए तो। एक बड़ा उद्देश्य अपने जीवन में रखो, बड़ा उद्देश्य रखो, बड़ा रीज़न रखो। बच्चे पढ़ क्यों नहीं पाते हैं? उनके पास बड़ा रीज़न नहीं होता है, उनके पास बड़ा रीज़न नहीं होता है। मैं कहता हूँ मुझे IAS ऑफिसर बनना है, मैं कहता हूँ मुझे IAS ऑफिसर बनना है, मुझे 14 घंटे की पढ़ाई बोझ लगेगी। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है और बनके ये कलेक्टर की कुर्सी पर बैठूँगा, ये मेरा रोब होगा, लाल बत्ती गाड़ी मिलेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, मुझे 14 घंटे की पढ़ाई बोरियत लगेगी। समझ रहे हो बात को? लेकिन यदि मेरे पास बहुत बड़ा उद्देश्य है ना, बहुत बड़ा लक्ष्य है कि मैं जिस जिले में रहता हूँ ना यार, उस जिले की व्यवस्था ठीक नहीं है, कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, सही सिस्टम नहीं है, मुझे सिस्टम सुधारना है, मुझे सिस्टम सुधारना है,